अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ अजमेर शरीफ के। सो अब हम आ गए हैं अजमेर शरीफ और अब हम यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो। सो ये हमने ऑटो कर लिया है दरगाह शरीफ जाने के लिए, वहाँ पे हम जाके रूम बुक करेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं दरगाह शरीफ। तो मैं आज ऐसे मैं आपको बता दूँ कि मैं टोटल 2011 या 12 में आया था, उसके बाद मैं अब जाके अजमेर शरीफ आया हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि मुझे ये मौका फिर से मिला है कि मैं जाके हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिरी दे सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ की गलियाँ कितनी पतली हैं और कैसे कैसे पतले पतले रास्ते हैं जिसमें से ये हमें लेके जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा है रास्ता। सो अब हम थोड़े ही देर में होटल्स के पास पहुँच जाएंगे, उसके बाद हमें वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो होटल हमने बुक कर लिया और मैं रेडी हो गया हूँ, मैं और अब्बू दोनों रेडी हो गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं होटल से निकल के हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में, बारगाह में, जहाँ पे हम जाके वहाँ पे हाजिरी देंगे, दुआ मांगेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो होटल है वो एकदम जो मेन गेट है दरगाह शरीफ का उसके सामने ही है और साइड्स में पूरे शॉप्स वगैरह हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना रौनक है यहाँ पे, कितनी भीड़ लगी हुई है। अभी तो पहले से थोड़ी कम है भीड़, ये बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी हम मॉर्निंग के कुछ 8-8:30 हो रहे हैं, तो अभी हम निकल गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम अलग ही फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। सो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं एक बार फिर से यहाँ पे आया हूँ इनके पास हाजिरी देने के लिए। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेन गेट है, तो अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं, ये गेट है, यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। तो हमने साइड में चप्पल रख दी, एक्चुअली वहाँ जो मेन गेट मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे चप्पल रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे साइड से घूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने जो बना हुआ है वहाँ पे मजार शरीफ है और लोग यहाँ पर बैठ के दुआ वगैरह मांग रहे हैं मजार शरीफ के सामने। अब हम यहाँ से जाएँगे, वजू बनाएँगे, वजू बनाने के बाद हम वापस मजार शरीफ पर जाएँगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ये मजार शरीफ है और ये मजार शरीफ का गुंबद बना हुआ है। फाइनली अब हम अंदर जाएंगे हाजिरी देने के लिए मजार शरीफ पे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, सो हाजिरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से हाजिरी दे पाएंगे और आप सबके लिए भी दुआ कर सकूँगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज के मजार शरीफ का मेन गेट है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सो आप सब भी देख लीजिए और अल्लाह से और ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ कर लीजिए। अजमेर शरीफ आए हैं और कव्वाली ना सुने, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पे कव्वाली है तो आप लोग भी सुन लीजिए थोड़ा सा कव्वाली। तो अब हम हाजिरी देके मार्केट्स में आ गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ से मार्केट है, यहाँ पे जो सामान चाहिए आपको सब मिल जाएगा। कुछ क्वालिटी अच्छी है तो किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है आप मार्केटिंग कर सकते हो। सो अब मैं साइकिल वाले रिक्शे में बैठ गया हूँ, तो अंकल वो जो है अपने पैरों से ये रिक्शा चला रहे हैं। सो ये एक्सपीरियंस जो है ये अलग ही है, ये बॉम्बे में कभी हमें मिलता नहीं है ऑटो। सो हमने इसके लिए ये ऑटो किया था। यहाँ से अभी हम अना सागर जा रहे हैं जो यहाँ से कुछ करीब 2-3 किलोमीटर था।
गाइस, तो जैसे आप देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है अनंत सागर पे जाने के लिए। तो यह एक टिकट 25 रुपये का मिल रहा है और इसका टाइमिंग जो है वो सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक है। तो हमने टिकट ले लिया है, अब हम अंदर जाएंगे। सो ये आ गए हैं हम अंदर साइड अनंत सागर के लेक देखने के लिए। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पब्लिक है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे गार्डन्स वगैरह भी बना दिया गया है, बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे सब आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गार्डन बना हुआ है, यहाँ पे झाड़स वगैरह भी हैं, तो थोड़ा गर्मी कम लगेगी। ये एक छोटा सा रूम बना हुआ था, जब मैं इसके रूम के अंदर गया तो आप भी देख सकते हैं कि क्या हालत बना रखी है लोगों ने, सब पूरा नाम से कितना गंदा कर दिया है लोगों ने, सब अपने अपने नाम से लिखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही गंदगी कर दी है। तो मैं गुजारिश करूँगा गाइस, ऐसा मत करिए, ये ऐसे प्लेसेस टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे ऐसे गंदगी मत करिए। और फाइनली आप देख सकते हैं ये अनंत सागर लेक है, ये कितना बड़ा लेक है, ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा लेक जो है वो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अनंत सागर लेक है, तो आप सबको ये हिस्ट्री तो पता है ही होगी, बट मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये अनंत सागर लेक है। तो ये जो वहाँ के राजा थे उन्होंने पाबंदी लगा दी थी मुसलमानों पे कि यहाँ से आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो जब ये बात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पता चली तो उन्होंने अपने एक खादिम को काशा लेके भेजा और कहा कि जाओ कहो कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था कि पूरा का पूरा अनंत सागर वो एक छोटे से काशे में सिमट गया। ये देखते ही पूरे शहर में हाहाकार मच गया। जब बादशाह को ये बात पता चली तो वो आपके पास आया और माफ़ी तलब किया। ख्वाजा ने अपने खादिम को कहा कि जाओ ये काशा जो है वापस से अनंत सागर में पलट दो। और वो जब अनंत सागर में पलटा तो वापस से जो अनंत सागर था वो लबालब वापस से भर गया पानी से। एक छोटा सा टापू बना हुआ है अनंत सागर के बीच में, वहाँ पे जाने के लिए बीच में रास्ता था जो अंदर ही अंदर जा सकते थे, बट वो रास्ता भी बंद कर दिया है एंड बोटिंग का सिस्टम चालू कर दिया है। तो बोटिंग का जो टिकट है वो 120 रुपया है एक जन का, मतलब यहाँ से जाने का और रिटर्न आने का 120 रुपया है। और लास्ट जो फेरी है वो शाम को 7:30 बजे आती है, उसके बाद आप नहीं आ सकते। तो उससे पहले आपको जो 7:30 बजे की लास्ट फेरी है वही आपको पकड़ के वापस रिटर्न आना पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा गाइस। हमने टिकट्स ले लिया है और अब हम जा रहे हैं बोट्स में बैठ के टापू पे जाने के लिए। तो ये अभी हम बोट्स में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से टापू पे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं टापू पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा गार्डन बना हुआ है, यहाँ पे डायनासोर के स्टैचू बने हुए हैं और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी गार्डन्स वगैरह बने हुआ है। यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ गार्डन्स है। सो आप यहाँ पे आके थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, मतलब अच्छा फील होता है, ठंडी ठंडी हवा आती है और आप पूरा जो है अनंत सागर लेक का व्यूज़ कर सकते हो और सिटी के जो साइट्स व्यूज हैं वो भी आपको देख सकते हो। यहाँ पे गार्डन्स है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और हम यहाँ पे गार्डन्स के मज़े ले रहे थे, जस्ट ऐसे ही वॉक कर रहे थे एंड जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब हम अनंत सागर से वापस आ गए थे और अब हम वापस जा रहे हैं दरगाह शरीफ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शाम हो गई है, सब लाइटिंग्स ऑन हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रौनक है रास्ते पे, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब हम वापस से जा रहे हैं दरगाह शरीफ पे। तो अब हम आ गए मजार शरीफ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गुंबद पे लाइट ऑन हो गई है, तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिख रहा है।